सतना से, मौत का रोपवे देवघर रोपवे के हादसे के बाद मैहर चित्रकूट रोपवे में सुरक्षा इंतजामों पर भी सवाल गहरा गए हैं। झारखंड के देवघर में त्रिकूट पर्वत पर हुए रोपवे हादसे ने मैहर और चित्रकूट में भी चिंता बढ़ा दी है, जिस पर दामोदर रोपवे कंपनी के पास देवघर में रोपवे संचालन का ठेका है, वहीं मैहर और चित्रकूट की जिम्मेदारी भी उसी के पास है। देवघर हादसे के बाद सवाल इन दोनों धार्मिक स्थानों के रोपवे को लेकर भी गहरा गया है। मैहर में माता शारदा त्रिकूट पर्वत पर विराजी है, जबकि हनुमान धारा में पवन पुत्र हनुमान भक्तों के कष्ट हरण करने के लिए विराजमान है। मैहर पहाड़ी पर 620 फुट और हनुमान धारा मंदिर 600 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यहां दामोदर रोपवे कंपनी ही रोपवे संचालन कर रही है, वहीं देवघर में भी इसी कंपनी के पास ये काम है। मैहर रोपवे में भी आए दिन खराबी आती रहती है। कुछ महीनों पहले रोपवे आधे रास्ते में खराब हुआ था, जिसके बाद घंटों श्रद्धालु हवा में लटकते रहे थे। घंटों बाद जब रोपवे चालू हुआ तभी लोग नीचे आ पाए। हाल ही में नवरात्रि की अष्टमी को भी रोपवे में खराबी आई, लेकिन गनीमत रही कि सप्तमी की रात बंद होने के बाद अष्टमी की सुबह यह चालू ही नहीं हो पाया था, लिहाजा श्रद्धालु हवा में लटकने से बच गए थे। वहीं जानकारों की माने तो सुरक्षा मामलों में सेटिंग और जुगाड़ के बूते पर चल रहे दामोदर के रोपवे बड़ा खतरा है। मैहर और चित्रकूट में रोपवे ऑपरेट कर रही दामोदर इंफ्रा कंपनी के पास ऐसा कोई इंतजाम नहीं है जिससे किसी भी हादसे के हालात में रेस्क्यू किया जा सके। सूत्र बताते हैं कि काम चलाऊ टेक्निकल स्टाफ रखकर मेंटेनेंस की खाना पूर्ति कर ली जाती है और फिर खुशामद के जरिए प्रशासन से भी क्लीन चिट हासिल कर ली जाती है। महीनों पहले जब मैहर में रोपवे हवा में लटका था, तब तत्कालीन कलेक्टर अजय कटेसरिया ने रोपवे ऑपरेशन बंद करवा कर मेंटेनेंस और सिक्योरिटी चेक के आदेश दिए थे। कंपनी को सुरक्षा ऑडिट भी कराना था, लेकिन बाद में खाना पूर्ति कर मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक से क्लीन चिट ले ली गई। सूत्र तो ये भी बताते हैं कि कंपनी को रोपवे की ट्रॉलियों में सवार होने वाले सभी यात्रियों का बीमा कराने की अनिवार्यता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सिर्फ 25 लोगों का बीमा कराकर खाना पूर्ति कर ली जाती है। हैरानी की बात ये भी है कि इस मनमानी की तरफ प्रशासन का भी ध्यान नहीं जाता। वहीं अब जब देवघर त्रिकूट पर्वत पर दामोदर इंफ्रा रोपवे हवा में लटका और जिंदगियों का काल बन गया, तब मैहर के त्रिकूट पर्वत और हनुमान धारा में भी चल रहे इसी कंपनी में रोपवे पर पहले से उठ रहे सवाल और गहरा गए हैं। हालांकि कलेक्टर अनुराग वर्मा का कहना है कि उन्होंने सिक्योरिटी ऑडिट के निर्देश दिए हैं।